हेलो एवरीवन, एमिनेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं सुरेंद्र एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हूं, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे आज DMRC के जो पेपर हैं 17-18 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, उस पेपर के लिए आप सभी को किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे अहम बात है, बहुत ही कम समय है, जैसा कि आपको पता है एडमिट कार्ड आ चुके हैं और बहुत ही कम समय बचा है। इस कम समय को किस प्रकार से यूटिलाइज़ करना है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को किस प्रकार से बेहतर बनाना है, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे अहम बात है कि कम समय के अंतर्गत लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी क्या कुछ रहने वाली होगी, तो इस बारे में मैं आपको सबसे पहले बात ये बताऊँगा कि आपको पॉजिटिव रहना है। एनवायरनमेंट के अंतर्गत जो भी आपके आसपास के लोग आपको नेगेटिव बातें कर रहे हैं कि सिलेक्शन उन लोगों का होगा, उनका होगा, या फिर 2-3 साल से तैयारी करने वालों का होगा, ये वो, इन सब बातों को आप साइड में रख के बहुत ही अच्छे से फोकस करो पढ़ाई के ऊपर और एकदम पॉजिटिव रहो, खुद पर विश्वास रखो। और दूसरी बात है मोटिवेशन की। जब तक आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहोगे, तब तक कोई दूसरा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। दुनिया में सबसे अच्छा मोटिवेशन वही है, सेल्फ मोटिवेशन। आप खुद अंतरात्मा से जागरूक रहो और इस पेपर के लिए सीरियस हो जाओ कि मुझे तो ये पेपर निकालना ही है, तो दुनिया की कोई सी भी ताकत आपको पीछे नहीं हटा सकती। उसके बाद अगला टॉपिक है स्टडी ऑनेस्टली। जितना भी आपके पास टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग 5-6-7 घंटे जो भी है सिंसियरली पढ़ाई पे पूरा फोकस करो, पूरे कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से फोकस करो। उसके बाद में सबसे अहम और सबसे लास्ट में जो बात है, मैं ये कहूँगा मॉक टेस्ट। जितने भी 7-8-10 दिन जो बचे हैं उस टाइम के अंतर्गत आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, चाहे आप PDF डाउनलोड कर लें कहीं से, प्रीवियस ईयर्स के पेपर देख लो, या फिर यूट्यूब से कोई दूसरा वीडियो देख के उसमें से पेपर सोल्व करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली 2-3 घंटे तो आप डेली पेपर प्रैक्टिस करें। अब देखिए सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि CRA के सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से सब्जेक्ट को किस प्रकार से डील करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आप जो भी टॉपिक है, जो भी सिलेबस के अंतर्गत 10-12 टॉपिक दे रखे हैं, उन टॉपिक को एक बार देख लीजिए। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ब्लड रिलेशन के सवाल हैं तो किस प्रकार के सवाल बनते हैं, क्या क्या पैटर्न होता है, कौन कौन से टाइप के सवाल बनते हैं, उस टाइप को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, इनको एक बार आप देख लें। उसके बाद में मॉक टेस्ट की अपन ने बात कर ही ली। मॉक टेस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर निकालें। और इस पेपर में एक और है, 60 क्वेश्चन आने वाले हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए आप जो भी इंग्लिश के सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिक उनके कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उनके बारे में एक बार फोकस करें और इसे हर टॉपिक से संबंधित आप 50-60 क्वेश्चन देख लीजिए। चाहे पुराना आप SSC का पेपर हो या फिर पुराना बैंकिंग के पेपर हो इंग्लिश से संबंधित, उन पेपरों को भी एक बार आप देख लीजिए कि इंग्लिश के कॉन्सेप्ट किस प्रकार से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। फिर सबसे अहम है लास्ट ईयर का पेपर। पेपर का लेवल देख के अपनी तैयारी को और अच्छे से करें कि किस लेवल का पेपर पूछा जा रहा है, किस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई किस सब्जेक्ट के ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या करंट या स्पोर्ट्स, किस मेन जो टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। GK को रोज़ आप देखते रहें। स्टैटिक्स GK है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है DMRC के 2017 या जो भी पुराना पेपर है उसके अंतर्गत स्टैटिक्स GK के सवाल काफ़ी पूछे गए हैं। फिर गेम्स के बारे में, जितने भी स्पोर्ट्स के अंतर्गत वर्तमान के अंतर्गत टूर्नामेंट चल रहे हैं या कोई कप है या फिर पॉपुलर प्लेयर्स है, उसके बारे में एक बार आप ज़रूर देखें। तो ये सब जो टिप्स हैं काफ़ी हद तक आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेंगे कि इन पर आप फोकस करके तैयारी करें, ताकि आपका DMRC का CRA का पेपर है वो इजीली क्वालिफाई हो जाए। और मेरी आप सभी स्टूडेंट के साथ
शुभकामनाएं पेपर के लिए, ऑल द बेस्ट और थैंक यू।